Everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So our today's topic is subphylum. We can say vertebrata because हम लोगों ने इससे पहले जो चीज़ें देखी थी, एक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा क्लियर करना ज़रूरी है कि फाइलम कॉर्डेटा को दो पहले ग्रुप्स में बांटा गया है. पहला ग्रुप ए क्रेनिया और प्रोटो कॉर्डेटा लोअर कॉर्डेट्स का है और दूसरा ग्रुप क्रेनिएटा यू कॉर्डेटा हायर कॉर्डेट्स का है. काफ़ी टाइम बच्चे ये बात में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो फाइलम कॉर्डेटा है वो जो सब फाइलम होते हैं उनमें डिवाइड होता है डायरेक्टली, जबकि ये जो चीज़ें हैं ए क्रेनिया प्रोटो कॉर्डेटा क्रेनिएटा यू कॉर्डेटा ये ग्रुप्स होते हैं, ना कि सब फाइलम होते हैं. अब इसके और डिटेल की बात करें तो ये जो ग्रुप्स होते हैं पर्टिकुलरली ये सब फाइलम के अंदर डिवाइड होते हैं. पहले सब फाइलम के अंदर हम बात करें, पहले ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो तीन आ जाते हैं यहाँ पर, हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. वहीं अगर हम दूसरे साइड में बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर जो सब फाइलम होता है वो सिर्फ एक ही होता है, दैट इज वर्टिब्रेटा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. वर्टिब्रेटा को फर्दर दो कहना चाहिए डिविजन के अंदर डिवाइड किया गया है. पहला है एग्नेटा और दूसरा है नेथोस्ट्रोमेटा. और फिर उसके बाद इनके अंदर क्लासेस आती है जिसके बारे में हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो वीडियो था उसके अंदर. और यहाँ जो फ्लोरोसेंट कलर से थोड़ा सा मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं वो एनएमनियोटा ग्रुप्स हैं यहाँ तक, और जो थ्री ऑरेंज से दिखाई दे रहे हैं वो एमनियोटा ग्रुप्स हैं, जिसकी डेफिनेशन आज हम आज या फिर नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम उसको कंप्लीट करेंगे, आज अगर पॉसिबल हुआ तो उसको ले पाएंगे. तो वर्टिब्रेट्स के साथ स्टार्ट कर देते हैं. सो बात अगर हम करते हैं सब फाइलम फोर्थ वर्टिब्रेटा की, फोर्थ सब फाइलम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने ये जो क्लासिफिकेशन लिया था उसमें हमने हेमिकॉर्डेटा को इंक्लूड करा था. हेमिकॉर्डेटा अब एक नया फाइलम बन चुका है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से देखें तो ये फोर्थ आना चाहिए सब फाइलम. बाकी यूँ अगर नॉर्मल वे में होता तो सब फाइलम थर्ड होता है वर्टिब्रेटा, और हम कॉर्डेटा के सब फाइलम की बात कर रहे हैं. अब स्टार्ट करते हैं. सब फाइलम का दूसरा नाम होता है क्रेनिएटा. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है, और इसका दूसरा नाम होता है यू कॉर्डेट्स, यानी कि जो ट्रू कॉर्डेट्स हो सकते हैं हम उसको भी कह सकते हैं, और एक और नाम इसका होता है हायर कॉर्डेट्स. तो ये सारे चीज़ों की पॉइंट्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर. बेसिकली ये ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये ऐसे डेवलप्ड कॉर्डेट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रेन देखने को मिलता है. इनमें क्या होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है या हायर जो कहना चाहिए हायर कॉर्डेट्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, डेवलप्ड कॉर्डेट्स होते हैं, इनके अंदर ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे से कॉम्प्लेक्स ब्रेन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है. इनका जो ब्रेन होता है वो इनक्लोज्ड होता है एक तरह के ब्रेन बॉक्स में. फॉर एग्जाम्पल ये इनका ब्रेन है तो वो ब्रेन एक तरह के बॉक्स में और ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाएगा. तो ये जो ब्रेन बॉक्स है जिसको मैं बी कर लिख रही हूँ ब्रेन बॉक्स, वो क्या करता है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इसी ब्रेन बॉक्स का दूसरा नाम होता है क्रेनियम. अभी तक क्रेनियम के बारे में नहीं पता था तो पता चल जाना चाहिए कि ब्रेन बॉक्स का दूसरा नाम होता है क्रेनियम. और ये जो ब्रेन बॉक्स या फिर ये जो क्रेनियम है ये बोन का और कार्टिलेज का बना रहता है. बोन का भी हो सकता है और कार्टिलेज का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिजम्स. तो बोन और कार्टिलेज का बना होता है. जब जो मतलब कहना चाहिए एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड होती है, अगर उसकी जगह हम बात करें कॉर्डेट्स के अंदर, तो वहाँ पर वर्टिब्री आ जाती है. वर्टिब्री जो कि बोन की भी बनी हो सकती है और कार्टिलेज की भी बनी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, हमने बात की थी एक कैरेक्टर की जो कि कॉर्डेट्स में पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. हमने ये बात की थी कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो सॉरी मैंने यहाँ एच नहीं लगाया, जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी होना चाहिए क्योंकि अगर वो कॉर्डेट्स है तो उनमें भी होना चाहिए. लेकिन होता यह है कि वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो बाद में रिप्लेस हो जाती है एक कॉलम से जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम. तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होगी वर्टिब्रेट्स के अंदर तो उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, उसमें कोई भी शक नहीं है. लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म एडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा तो उसकी वो जो नोटोकॉर्ड थी वो रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है. तो फाइनली वर्टिब्रल कॉलम अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको जो नाम देंगे वो हो जाएगा वर्टिब्रेटा. तो वर्टिब्रेटा नाम यहाँ से आता है क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से. हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, ये गलत पॉइंट हो जाएगा. तो एक स्टेज पर होगी नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट, बाद में वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से. जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, अगर हम इनकी बोन्स की इनके जो एंडोस्केलेटन है उसकी बात करें, तो जो एंडोस्केलेटन होता है इसका, एंडोस्केलेटन दो तरह के स्केलेटन होते हैं. एक होता है एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर वाला स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, और एक स्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर की तरफ होता है, तो इनसाइड दी बॉडी,
इनसाइड दी बॉडी, आप इसको याद करेंगे एंडोस्केलेटन। अब ये जो एंडोस्केलेटन होता है, अगर हम ह्यूमंस के एग्जांपल लेकर बात करते चले, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर ह्यूमंस आते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि वो मैमल्स में है। अब अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो हम में भी जो अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का और कार्टिलेजेस का बना होता है जनरली। किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पूरी तरह कार्टिलेज का भी हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे फिशेज होती है जो कि पूरी कार्टिलेजनस स्केलेटन जिनके अंदर देखने को मिलता है। सो बोन्स का भी हो सकता है और कार्टिलेज का भी हो सकता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बहुत कमी से ही देखने को मिल सकता है यहाँ पर, वो इंसेक्ट्स का एक फीचर होना चाहिए। तो एंडोस्केलेटन होगा जो कि बोन्स और कार्टिलेजेस का बना होगा। अब एक बात यहाँ पता होना चाहिए, हम इसको सिर्फ नॉर्मली समझते हैं, जब डेवलपमेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के हेड का, इनके सिर का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, सर का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो भी डेवलप कर जाते हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है एक डिस्टिंक्ट हेड के अंदर। हम अलग से पहचान सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का सर यहाँ पर है और उसकी बॉडी नीचे की तरफ है। उसकी हेड आप अलग से ही पहचान सकते हो, जैसे एक ह्यूमन, उसका हेड आप अलग ही देख पाओगे। तो हेड अलग से डिस्टिंक्ट हो जाता है इन ऑर्गेनिजम्स में। इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें, एक कैरेक्टर हमने ये भी पढ़ा था कॉर्डेट्स का कि प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स और क्लेफ्ट। तो अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें, तो ये वाला कैरेक्टर भी वर्टिब्रेट्स में होता है, लेकिन किस स्टेज पर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो जो जो गिल स्लिट्स थे वो वहाँ से खत्म हो जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी फेरिंग्स के ऊपर जो स्लिट्स पाए जाते हैं गिल स्लिट्स, वो बाद में इनमें खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह पर एक नॉर्मल स्किन के फ्लैप आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते, बल्कि एडल्ट्स के अंदर भी परसिस्ट करते हैं, बाकी रह जाते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट था, तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को खुद से नोट कर सकते हैं, आई होप। तो ये वाली बात हो जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि होता है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का मतलब यहाँ पर, तो अब हम बात करते हैं ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसके अंदर एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है जिसको ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड कहा जाता है। इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है वो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ये जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है वर्टिब्रेट्स में, अगर हम बात करें तो ये इनमें हमेशा रहती है, पूरे लाइफ टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगी फिर खत्म हो जाएगी एडल्ट स्टेज में आते आते, ऐसा नहीं होगा। तो ये लाइफ टाइम उनमें प्रेजेंट रहती है, तो इसको याद रखेंगे, ये लाइफ टाइम में आएगी। अब एक पॉइंट यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी की अगर हम एक, तो जितने भी हम लोग बात करें फिशेज, रेप्टाइल्स, सॉरी फिशेज के बाद एम्फीबियंस, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, यहाँ से लेकर ये जितने भी नाम हमने पढ़े, ये सारे ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं। यानी कि फिश अगर होगी तो उसके अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम होगी, कैट में वर्टिब्रल कॉलम होगी, मैमल्स में आ जाएगी ऑफकोर्स, फिर फ्रॉग में भी वर्टिब्रल कॉलम होगी, ये सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए था। और धीरे धीरे ये शो किया गया है यहाँ पर कि जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे वो ग्रेजुअली इवॉल्व होते गए इस ग्रुप के अंदर। तो जब फिशेस थी तो वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, एम्फीबियन बनी, वही फिश जब एम्फीबियन बनी तो वो थोड़ा कम ज़्यादा डेवलप हुआ, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल और ज़्यादा डेवलप हुए, फिर आई हम लोग कह सकते हैं बर्ड्स का नाम ले सकते हैं, वो थोड़े और डेवलप हुए, सबसे ज़्यादा डेवलप हो गए मैमल्स, मैमल्स में भी और सबसे ज़्यादा डेवलप हम जानते ही ह्यूमंस हुए हैं ऑफकोर्स। तो मैमल्स को हम बाद में देखेंगे, प्राइमेट्स होते हैं और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। तो ये इस तरीके से पूरा एक कहना चाहिए ग्रेजुअल इवोल्यूशन देखने को मिला, धीरे धीरे इवोल्यूशन आता गया एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ, क्योंकि फिशेज एक्वेटिक लाइफ शो करती है और मैमल्स टेरेस्ट्रियल लाइफ शो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इवोल्यूशन देखने को मिला। तो इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि जो फिशेस हो सकती हैं, वो एक्वेटिक होंगी, और जो हायर वर्टिब्रेट्स होंगे, ज़्यादा डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स होंगे, वो टेरेस्ट्रियल होंगे। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, ये मीडियम से लेकर लार्ज साइज तक हो सकते हैं, इनकी बॉडी हेड बॉडी कॉमा पोस्ट एनल टेल के अंदर डिवाइडेड रहती है, इनके अंदर टू पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेटरल अपेंडिजेस पाए जाते हैं, यानी कि दो हैंड्स होंगे तो दो लेग्स होंगे, इस तरह से टू पेयर्स आ जाएंगे लेटरल अपेंडिजेस के, जॉइंटेड लेटरल अपेंडिजेस के, जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और दूसरे फंक्शंस में। सो जैसे हम बात कर सकते हैं लेग्स जो हैं वो लोकोमोशन में अगर हेल्प कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो हैंड्स कुछ और फंक्शन में, जैसे कि पेन पकड़ना, कुछ भी फंक्शन जो हैंड से रिलेटेड आप ऑलरेडी जान सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस आ जाते हैं। अब स्किन की बात करें तो इनकी जो स्किन होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की बनी होती है, जिसके अंदर आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस पाई जाती है।
स्किन स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की बनी हुई है और उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दो पार्ट्स डिवाइडेड दिखाई देते हैं। कभी कभी इनकी अंदर जो सरफेस होता है स्किन का वो प्रोटेक्टिव कवरिंग से भी कवर्ड रहता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देने लगते हैं, जैसे कि जिसमें एपिडर्मल स्केल्स आ जाते हैं, बर्ड्स के अंदर फेदर्स आ जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर हेयर आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, और बफेलोज और काउस की बात करेंगे तो उनमें हॉर्न्स आ जाते हैं। तो ये सभी किस चीज़ का पार्ट है? ये एक्सोस्केलेटन होना चाहिए उसका पार्ट है, और स्किन के ही डेरिवेटिव से। अगर आपने इंटेग्यूमेंट्स और जो स्किन की कंपेरेटिव एनाटॉमी की जो मैंने वीडियो अपलोड करें वो अगर नहीं देखे तो आप उसको चेक करिए, क्योंकि सभी चीज़ आपस में कनेक्टेड है, तो हमें वो सारी चीज़ें भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन ऑर्गेनिज्म की नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड होती है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन, कार्टिलेज या फिर दोनों चीज़ों का बना हो सकता है, और वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल, स्लिम बोन्स मेन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इनके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो शाइजोसीलिक सीलोम शो करते हैं। तो इनकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो शाइजोसीलिक सीलोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर डेवलप रहते हैं, और ये डेवलप्ड रहती है। इसकी डेफिनेशन के लिए सीलोम का वीडियो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके थे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कम्प्लीट होता है, यानी कि इनमें माउथ एनस दोनों होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी लॉन्ग और कॉइल्ड होती है। अब यहाँ पर ये जो बात समझने की वो ये है कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है इनमें जनरली 7 होती है, लेकिन साइक्लोस्टोम्स में 7 से ज़्यादा फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती है। इनका रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स के थ्रू होता है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में जैसे कि फिशेस के अंदर अगर हम बात करें तो जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है उन्हीं से वो रेस्पायर करेंगी। वहीं जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है जैसे मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गई, इन ऑर्गेनिजम्स को लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी रेस्पिरेशन करने में। इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह, ट्यूब्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी। हार्ट इनका 2, 3, 4 चैम्बर्ड हो सकता है, जो कि इनके वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी पर पाया जाता है आगे की तरफ। इनकी पीठ की तरफ हार्ट नहीं होता बल्कि इनके आगे की तरफ हार्ट होता है। हीमोग्लोबिन इनके आरबीसी में पाया जाता है। इनका एक्सक्रीशन मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनीज के थ्रू होता है। इनके अंदर 10 से 12 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। मैं उसकी ट्रिक आपको बाद में सिखाऊंगी कि कैसे लर्न करते हैं। 10 to 12 हमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, और हर नर्व जो रहती है एक यूनियन बनाती है डॉर्सल और वेंट्रल रूट का। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जाते हैं, जो कि आईज और ईयर्स में बेसिकली होते हैं, आईज एंड ईयर्स के अंदर। और वो भी क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम आईज और ईयर्स में? हम बात कर रहे हैं स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स की। इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेल इंडिविजुअल्स अलग होंगे, फीमेल इंडिविजुअल्स अलग होंगे। पेयर्ड गोनेट्स इनमें पाए जाते हैं विद डेवलप्ड गोनोडक्ट्स। 2 ओवरीज होंगी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में 2 टेस्टीज होंगी, यानी कि पेयर्ड गोनेट्स इनमें पाए जाते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसमें टेडपोल आ जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। वहीं ह्यूमंस की बात करें तो उसमें कोई लार्वा इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये लार्जेस्ट सब फाइलम होता है फाइलम कॉर्डेटा का। इसके अंदर 49,000 स्पीशीज़ पाई जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें से 40,000 स्पीशीज़ जो है, इस 49,000 के अंदर से भी जो 40,000 स्पीशीज़ है वो लिविंग स्पीशीज़ होती है, और बाकी की जो रेस्ट हम इसमें से माइनस करेंगे यानी 9,000 समथिंग, तो वो जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अभी जो 40,000 स्पीशीज़ हैं वो लिविंग है, और बाकी इसके अलावा इसमें से माइनस करोगे आप तो जो आंसर आएगा वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये लार्जेस्ट सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर का। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें पता होना चाहिए थे, इसके डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए। इसके बाद जो हमारी चीज़ बचती है हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में, एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा क्या होता है, एनएमन्यूटा, एमन्यूटा क्या होता है, ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। So stay tuned for that, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Happy learning.